किसका है? ये वहां से आई थी। हां तो तेरी होगी। दे दो। एक पौवा ले आएगा घर से। कैसे हो? बढ़िया ना। तो आज मैं बिहार जा रहा हूँ गाँव, आप सबको बताया नहीं था। मैं जैसे ऋषिकेश से आया था मेरा तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, और फाइनली अब जाके ठीक हुआ हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो मेरे को मैंने टिकट पहले कटवा लिया था, फिक्स नहीं था कि जाना ही है मेरे को गाँव, बट आज जा रहा हूँ। और सबको हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा सामान पैक हो गया है और थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, तो चलो आनंद विहार। पंद्रह अगस्त तो है बट एक भी आसमान में पतंग सा नहीं दिख रहा मेरे को तो आज। आपको दिख रहा है? बस एक पतंग है पूरे आसमान में। एक ये भी रीजन है कि पतंग महंगे हो गए पहले के अकॉर्डिंग। 10 रुपये का एक पतंग आता है, तो शायद बच्चा बंद कर दिया पतंग उड़ाना। देख लो एक भी पतंग नहीं है। बस घर से निकल गया हूँ, अभी गेट के नीचे ही खड़ा हूँ। ये रहा मेरा बैग, दो बैग लेके जा रहा हूँ और एक दिन ही रुकूँगा, बट सामान तो लेके जाना पड़ेगा, काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ। मैं आनंद विहार पहुँच गया और मेरा ट्रेन भी आ गया है, तो देख सकते हो मेरा ट्रेन है और ये मेरा स्टेशन है। मैंने तो स्लीपर का टिकट कटवाया था बट गलती से मेरा यही वाला सीट है जरूरी बैठा हूँ। तो चलो बिहार के साइड पहुँचते हैं। और मेरा ट्रेन खुली है, तो मेरा ट्रेन खुल गया। देखो बस मेरा ट्रेन खुल गया। अब अभी धूप में बैठा हूँ और पूरे टाइम एसी में बैठ कर हमको चिल्ड हो रखा हूँ, ठंड लग रहा है अंदर बैठे बैठे। तो सोचा तो ट्रेन रुका हुआ है तो बैठ कर धूप, यहाँ पे 10-15 मिनट रुकता है तो धूप अभी अच्छा लग रहा है गर्मी के टाइम में। देख लो अंदर बहुत चिल्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा चिल्ड कर रखा है। मैं पहुँच चुका हूँ बलिया, अभी यहाँ से 4 घंटे लगेंगे, पूरे 24 घंटे लगाएगा यार, ये काफ़ी लेट लगा ट्रेन। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, लगता है रात को 10 बजे तक घर पहुंचूंगा। यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ है, पता नहीं कब पहुँचेगा यार, रुक रुक के जा रहा है, लग रहा है आज घर नहीं पहुँचूंगा। लगता है रात भर स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, ठीक से कि रुकना पड़ेगा आज। ये देखना कहाँ पे रोक दिया, कुछ कहीं भी रोक रहा है भाई, और सब चले गए, मेरा तो काफ़ी दूर है, कोई भी नहीं, सारा बोगी खाली हो गया। घटिया ट्रेन है क्या बताऊं, मतलब हर एक छोटा से छोटा स्टेशन पे इसके काउंट करता हुआ चल रहा है, जहाँ पे स्टॉपेज भी नहीं है ना वहाँ पे रोक के खड़ा हो जाता है। ये क्या है भाई,
कान पकड़ रहा हूँ, आज के बाद इस ट्रेन में नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो मेरा 10 मिनट में अपना हाजीपुर पहुँचने वाला हूँ, और सामान वगैरह मैंने रख लिया बाहर, बस गेट पे ही 10 मिनट, बहुत टाइम लगा रही। बिपिन यार तूने कैसा टिकट काटा था, खान पकड़ दो, आज के बाद इस ट्रेन में नहीं आऊँगा। देख लो भाई, बहुत एक एक स्टेशन पे रुकता है, जितने दिल्ली से है ना यहाँ तक का स्टेशन, हर स्टेशन पे रुकता है। फाइनली गाइस मैं उतर गया हूँ हाजीपुर, और ये जो ब्लैक वाला जो बैग है, ये मेरे मौसा का बैग है, इनको बैग देना है। उसके बाद 6:25 पे यहाँ से एक ट्रेन है शाहपुर पटोरी के लिए। अगर ट्रेन नहीं मिलता तो मैं मौसा के घर पर रुकूँगा रात भर, फिर सुबह जाऊँगा। अगर ट्रेन मिल गया तो सही है, अभी जस्ट 3 मिनट पहले निकला है, अब मेरा 3 मिनट लेट आया मेरा ट्रेन। तो देख लो ये होता है इस गाड़ी का, अगर 3 मिनट पहले आ जाता तो क्या होता है। दो ऑप्शन था, बस से भी जा सकता था पर ट्रेन से, पर मैं ट्रेन से जल्दी पहुंचा देगा यार बस वाले, तो मैं पता है कि यहाँ पे जब तक पैसेंजर फुल नहीं होता जब तक नहीं जाता, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 बज गए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं रात को जाऊँ, तो इसलिए मैंने पैसेंजर ट्रेन लिया है। अब पैसेंजर ट्रेन लेने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा पटोरी, घर पे पहुँचता, घर पे पहुँचने का देखता कब। बस मैं पहुँच ही गया, यहाँ पे पूजा हो रहा है ना, इस वजह से शोर हो रहा है, अंधेरा हो रहा है काफ़ी। ये देख लो बस पहुँच गया हूँ मैं, घर जाके बात करता हूँ। गाइस तो मैं घर पे पहुंच गया फाइनली, अब करीब मुझे टाइम 28 घंटे लगे पूरे यहाँ पे पहुंचने में घर। और कल से 2 दिन से ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन इतना गंदा था ना क्या बताऊँ। और दिल्ली चलना कल, चलना तो इसको लेने आया था मैं, इसको देखो क्या, इसको और उसको, डॉली इधर आ, इसको दिल्ली ले जाना है बस। राखी है ना, तो मेरी बड़ी दीदी के दोनों बेटे हैं, ये बेटा है वो बेटी है, तो इसको लेके जाना है, इसीलिए आया था। 5-6 सालों से गए नहीं थे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब कल मेरा बर्थडे है, अगर आप 17 तारीख को देख रहे हो तो मेरा बर्थडे है कल के दिन, तो आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़। बोलो सब्सक्राइब करो। इनको नहीं आता बोले, सिखा दूंगा, घर पे लेके जा रहा हूँ ना दिल्ली, सिखा दूंगा। तू बोलिए सब्सक्राइब करो, क्या तो इनको सिखा दूंगा, लेके जाऊंगा। तो चलो मिलते, जब तक बाय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब बोल दिया, फटाफट सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया। और आज मेरा वीडियो देख रहे हो तो आज मेरा जन्मदिन है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा, 5 जने से सब्सक्राइब करवाना है, और कुछ स्पेशल करता हूँ यहाँ पे, तो मैं बर्थडे मना नहीं पाऊँगा, तो देखता हूँ ट्रेन में केक काटने की कोशिश करूँगा। ट्रेन में कोई पहली बार ट्रेन में केक काटेगा, तो चलो है गाद, केक काटेगा, इसका नाम चिराग है, प्यार से क्या बोलते हैं गाद, अरे बोल ले बोलियो गांव के बच्चे ना ऐसे होते, बोलते नहीं है। अभी दिल्ली आ जाएगा ना, दिल्ली के बच्चे होते ना इतना फट बोलते हैं ना, आप सुन सुन कर कान पक जाता है। ये तो बोलेगा नहीं, बोलियो, बोलो, बोल मजा और भाई।